Morning student, how are you? I hope you all are fine. Let's start our next lesson for class first student. Okay, lesson 11, the sulfate gel. Okay, you all know that you all are completed your SA1 syllabus and lesson 1 to 10 you all are completed. Okay, now we start our next syllabus for SA2, that is from 11 lesson 11. Okay, and the lesson name is the sulfate gel. Okay, now here we write some word meaning. You all know in your book page number 69 there is all hard word meaning was written in your book page number 69. Okay, now let's start the sulfate gel. First of all, you all know what is the meaning of sulfate. Sulfate means swarthi. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके क्लास में कोई स्टूडेंट आया, वो आपसे, आपका कोई फ्रेंड ही है, वो आपसे मांगा कि भाई आज पेन दे दो, मेरे पास पेन नहीं, मेरे पास नहीं है, तो वो आपका सेल्फिशनेस है. ठीक है, हमेशा किसी ना किसी से अपनी थिंग्स को शेयर करना चाहिए. ठीक है, किसी की भी हेल्प करनी चाहिए. नाउ लेट्स स्टार्ट. लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ जेंट इन अ ह्यूज कैस्टर. कैस्टर मीन्स महल. ठीक है, बहुत पहले की बात है कि एक जेंट रहता था अपने बहुत ही बड़े से महल में. He was the most selfish gent on the earth. और वो इस धरती का सबसे बड़ा कंजूस था, सबसे बड़ा स्वार्थी था. He never shared his things. वो कभी भी अपने थिंग्स को शेयर नहीं करता था. His castle has a huge garden. उसके कैस्टल के पास बहुत बड़ा सा गार्डन था. It was a large, lovely green with a soft green grass. और उस गार्डन में वो गार्डन जो था वो बहुत बड़ा था और वहाँ बहुत ही लवली गार्डन थे, सॉफ्ट ग्रीन ग्रास भी था वहाँ. हियर एंड देयर ओवर द ग्रास ब्लूम ब्यूटिफुल फ्लावर्स. और जितने भी पूरे गार्डन में इधर उधर जो भी झाड़ियाँ थे उस सब में कुछ ना कुछ फ्लावर्स, सुंदर सुंदर फ्लावर ब्लूम करते थे, खिलते थे. देयर वर ट्रीज आर बोर रिच फ्रूट्स. और सारे जो ट्री हैं वो सारे फ्रूट्स से लदे थे, कोई उसको खाने वाला नहीं था. एक गार्डन के फ्रूट्स को कोई एक आदमी खा सकता है? कभी नहीं, खत्म कर सकता है. द बर्ड्स सैट ऑन द ट्री एंड सैंग सो स्वीटली. और सारी बर्ड्स जो हैं उस गार्डन के ट्री पे बैठ के बहुत ही मधुर स्वीट आवाज में सॉन्ग को गाती थी. This gent has a friend. उस gent के पास एक friend था. The gent friends invited the selfish gent to his house. और उस gent का जो friend था वो उसको अपने घर पे invite करता था. Invite करता है कौन? Selfish gent जो है उसका एक friend रहता है और वो अपने selfish gent को अपने घर पे invite करता है. The selfish gent accepted the invitation and went to stay with him for few months. और सेल्फिश जेंट एक्सेप्ट करता है उसके इनविटेशन को और वो जाता है उसके घर फ्यू मंथ रहने के लिए. सिंस द जेंट वॉज अवे द चिल्ड्रन यूज्ड टू गो एंड प्ले इन द जेंट गार्डन्स. और जैसे ही बच्चों को पता चलता है कि वो चला गया है, सारे बच्चे उसके गार्डन में जाके एंजॉय करते हैं, खेलते हैं. वन डे द जेंट कैम बैक. When he arrived, he saw the children playing in the garden. और एक दिन जो जेंट है वो अपने फ्रेंड के यहाँ रह के वापस आता है तो देखता है कि बहुत सारे बच्चे उसके गार्डन में खेल रहे होते हैं. What are you doing here? और वो पूछता है बहुत ही कड़े आवाज में, बहुत ही गंदी आवाज में, बहुत ही कर्कश वॉइस में, ग्रफ वॉइस में, चिल्ला के, ठीक है, कड़वाहट के साथ पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? This is my garden, said the gent, and I will not allow anybody to play in it. So he built a huge wall all around it and put up a notice board. Okay? और ये मेरा गार्डन, वो बच्चों को डांटता है, बोलता है कि ये मेरा गार्डन और मैं किसी को भी अलाउ नहीं करता हूँ कि वो मेरे गार्डन में कोई भी आए. और इतना बोल के वो सारे गार्डन के किनारे किनारे बड़ी बड़ी दीवारें, बड़े बड़े वॉल खड़े कर देता है और वो बाहर एक बोर्ड लगा देता है जिस पे लिख देता है कि जो भी इसके अंदर आएगा उस पे मुकदमा चलाया जाएगा, उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा. द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले. और उन गरीब बच्चों के पास कहीं जगह नहीं था दूसरा खेलने के लिए.
They tried to play on the road, but the road was very dusty and full of hard stone and they did not like it. और बच्चे ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं रोड पे खेलने के लिए, बट रोड पे बहुत गंदगी थी, प्लस ईंटे पत्थर छोटे छोटे स्टोन भी थे, गंदे थे, तो वहाँ पे वो खेलना कंफर्ट फील नहीं करते थे. हाउ हैप्पी वी वर देयर, दे सेड टू ईच अदर. और वो सब एक दूसरे से बात करते हैं कि हम उस सर्फिस जेंट के गार्डन में खेल के कितने खुश थे. देन स्प्रिंग कम इन ऑल अराउंड द कंट्री, देयर वॉज अ बेड फ्लावर्स एंड लिटिल बर्ड्स. फिर स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग सीजन आता है और पूरे कंट्री में ब्यूटीफुल फ्लावर्स आ जाते हैं, छोटी छोटी चुड़ियाएं भी आ जाती हैं. ओनली इन द सेल्फिश जेंट गार्डन इट वॉज स्टिल विंटर. और केवल सेल्फिश जो था जेंट, उसी के गार्डन में चिड़िया नहीं आती है, नए फ्लावर्स नहीं खिलते हैं और उसके गार्डन में ठंडा का विंटर ही सीजन अभी तक बना रहता है. द बर्ड्स डिड नॉट सिंग इन इट, चिड़ियाएं भी उसके गार्डन में जाके गाना नहीं गाती हैं. नो फ्लावर्स ब्लूम, कोई फ्लावर्स नहीं खिलते हैं. एवरीवन वाज सैड, और सब लोग बहुत दुखी हैं. द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर स्नो एंड फ्रॉन्ट. स्नो कवर्ड द ग्रास विथ हर बिग व्हाइट क्लॉक एंड द फॉरेस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज व्हाइट. और ठंड के कारण, विंटर के कारण उस जेंट के जो भी गार्डन थे, सब पेड़ पे वाइट वाइट स्नो बर्फ जम गया था और सारे बर्फ से पेड़ बहुत ही गंदे दिख रहे थे, भद्दे थे, लद गए थे बर्फ से. स्प्रिंग सीजन पूरे कंट्री में आ गया है बट उसके गार्डन में कोई स्प्रिंग सीजन नहीं है, उसके गार्डन में ठंड की ही मौसम है, जिसके कारण उसके गार्डन में बर्फ गिरता है और सारे पेड़ पौधों को बर्फ ढक लेता है. आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई स्प्रिंग इज सो लेट इन माई गार्डन. और फिर वो जो सेल्फिश जेंट है वो सोचता है कि मेरे गार्डन में स्प्रिंग सीजन क्यों इतना लेट आया, क्यों नहीं आ रहा है. पूरे कंट्री में स्प्रिंग सीजन आ गया है, बर्ड्स स्विंग कर रही हैं, पेड़ पौधे में फ्लावर्स आ गया है, बट मेरे गार्डन में अभी तक विंटर क्यों है, क्यों मौसम चेंज नहीं हुआ मेरे गार्डन में. बट स्प्रिंग डिड नॉट कम, देन ऑटमन गिव golden fruits to everyone garden, but there is gent garden she have none. और फिर next season आता है, सारे flowers खिले के खिले रहते हैं, सारे tree fruits देने लगते हैं, but फिर भी उस gent के garden में कोई fruits, कोई flowers नहीं रहता है. One morning the gent was lying awake in bed when he heard some lovely music. और एक दिन की बात है, मॉर्निंग में जेंट एक लवली साउंड सुनता है तो वो अपने बेड से उठता है. इट साउंडेड वेरी स्वीटली टू हिज ईयर्स, और वो साउंड उसके कान को बहुत ही स्वीट लगती है. अ बर्ड वाज सिंगिंग इन हिज ब्यूटीफुल गार्डन, और एक बर्ड जो है उसके ब्यूटीफुल गार्डन में गा रही होती है. It was so long since he had heard a bird sing in his garden. I believe spring has come at last, said the gent, and as he jumped out as bed and look out. और वो सोचता है कि लगता है बहुत दिनों के बाद वो एक बर्ड के गाने को सुनता है और सुन के उसे बहुत अच्छा लगता है. और ये सोच के वो अपने बेड से कूद के देखने आ जाता है कि शायद मेरे गार्डन में स्प्रिंग सीजन आ गया हो. What did he see? और वो क्या देखता है? He saw the most wonderful sight. Through a little hole in the wall, the children had crept in and they were sitting on the branches of the tree. और वो क्या देखता है कि एक छोटे से वॉल में होल बन गया है और उसी होल से बच्चे और बर्ड्स आके उसके पेड़ पे बैठे रहते हैं. On every tree he could see there was a little child. Okay, the trees were so glad to have a children's back again that they had covered themselves with the flowers and were waving their arms slightly above the children's head. और वो ये देख के बहुत खुश होता है कि शायद बच्चों के ही आने से उसके गार्डन में फिर से फ्लावर्स आ गए हैं, ग्रीन ट्री पे फ्रूट्स आ गए हैं, सारे गार्डन जो है फ्लावर्स और फ्रूट से खिले खिले लग रहे हैं. फिर वो सारे बच्चों के हेड पे अपने हैंड को फेरता है और
उन्हें प्यार करता है. बर्ड्स वर फ्लाइंग अबव द ट्विटरिंग विद डिलाइट. द फ्लावर्स वॉज लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग. इट वॉज अ लवली सीन. और सारे बर्ड्स जो है स्माइल कर रहे हैं, सिंग कर रहे हैं, सारे बच्चे भी हैप्पी है, सारे ट्रीज भी हैप्पी है, और वो सीन देखने में बहुत ही सुंदर था. द चिल्ड्रंस वर प्लेइंग एंड लाफिंग, दे लुक्ड सो हैप्पी. और बच्चे जो है उसके गार्डन में खेल रहे हैं और बहुत ही खुश हैं. द जेंट हर्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट. ही हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, ही सेड, नाउ आई नो व्हाई स्प्रिंग विल नॉट कम हियर. जेंट जो है उसका जो हर्ट है वो मेल्ट हो जाता है और वो सोचता है कि मैं कितना सेल्फिश हो गया था और मुझे अब समझ में आया है कि मेरे गार्डन में स्प्रिंग सीजन क्यों नहीं आया था. आई विल नॉक डाउन द वॉल. और मैंने सारे जो गार्डन के बाहर उसने लंबे लंबे वॉल लगाए थे सबको उसने नीचा कर दिया, तोड़ दिया. माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर. और उस दिन के बाद से उसका गार्डन जो था, उसका बड़ा सा गार्डन, वो बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बन गया. ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन. और वो बहुत ही शर्मिंदा था, बहुत बहुत सॉरी बोला सारे बच्चों को अपने वर्क के लिए. सो ही ब्रोक द वॉल्स अराउंड हिज गार्डन. और वो अपने गार्डन के बाहर का जो वॉल था उसको तोड़ देता है. ही अलाउ द चिल्ड्रंस टू प्ले इन हिज गार्डन. और वो सारे बच्चों को अलाउ करता है आके उसके गार्डन में खेलने के लिए. सून हिज गार्डन वॉज फिल्ड विद द लाफ्टर ऑफ चिल्ड्रन. और जल्दी ही उसका पूरा गार्डन बच्चों के खिलखिलाहट से, बच्चों के हंसी से गूंज उठता है. एज ईयर्स वेंट बाय द जेंट ग्रू ओल्ड एंड फेबल. और बहुत समय बीतने के बाद वो जो जेंट था वो बुढ़ा हो जाता है और बहुत ही कमजोर हो जाता है. ही कुड नो लॉन्गर प्ले विद द चिल्ड्रन. और वो अब बहुत दिनों तक बच्चों के साथ नहीं खेल सकता है. क्यों? क्योंकि आपके घर में भी ग्रैंडफादर है, ग्रैंडमदर है. जब आप छोटे होंगे तो वो आपके साथ खेलते होंगे और जैसे जैसे आप बड़े होंगे वो बूढ़े होते जाएंगे. फिर उनके पास उतनी ताकत नहीं रहेगी, उतने स्ट्रांग नहीं रहेंगे कि वो आपके साथ भाग सके, खेल सके. ओके, तो वो क्या करेंगे, आप खेलोगे तो वो बैठ के सिर्फ आपको ऑब्जर्व करेंगे, आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे. ओके, He sat on the armchairs and watched the children's play. Since then, spring never forgot to visit the giant garden. और वो फिर जब कमजोर हो गया, बूढ़ा हो गया, तो वो अपने armchairs पे बैठ जाता था और बच्चों को खेलते हुए देखता था और enjoy करता था. Okay? और उस दिन के बाद से कभी भी उस selfish giant नहीं रहा. वो एक loving heart वाला giant बन गया था. और फिर वो कभी भी स्प्रिंग सीजन उसके फॉरेस्ट में आना नहीं भूला. क्यों? क्योंकि वो सेल्फिश से अब लविंग हार्ट वाला बन गया है. ओके, इसलिए सभी को लविंग हार्ट वाला बन के रहना चाहिए, किसी को सेल्फिश नहीं बनना चाहिए. क्या आज पापा ने एक चॉकलेट लाया तो बस मैं ही खाऊंगा, मैं अपनी बहन को या भाई को नहीं दूंगी, ऐसा नहीं होना है. सबको शेयर करके खाना चाहिए. ओके, Now we completed our lesson 11. Okay, I hope you all understand. Now your work is, you all know what is your work? जब आपके पास PDF जाएगा, आप PDF से सारे words meaning, question answer अपने कॉपी में note करिएगा and then उसे learn करिएगा. Okay? Now, then the question answer. Question answer you all got in the form of PDF. Okay? You completed our, you all completed and I also completed lesson 11. Now, you ready for read lesson 12 for the next video. Okay, thank you.